आज के लेसन में हम MDF पर वॉल क्लॉक को बनाएंगे। मैं अपनी सरफेस को प्रेप नहीं कर रही, दैट इज़ ऑप्शनल, आप चाहें तो कर भी सकते हैं, क्योंकि मैं बहुत डार्क कलर यूज़ करने वाली हूँ, एक्रेलिक पेंट इन नेवी ब्लू कलर। सो आई सपोज कि मेरा जो MDF बोर्ड है वो फुली कवर हो जाएगा। जैसो करने से आपका बोर्ड जो है वो एब्जॉर्ब नहीं करता, नॉन पोरस हो जाता है। तो गोल्डन मीका पाउडर और एक्रेलिक पेंट के साथ और इस डायल के हेल्प से मैं अपना पोरिंग को स्टार्ट करूँगी। एक्रेलिक पेंट के साथ साथ मैंने अपने रेजिन के अंदर सी ग्रीन पिगमेंट पेस्ट को भी ऐड किया है, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा रिच कलर और आई वांटेड टू हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेवी ब्लू प्लस सी ग्रीन कलर, तो मैंने अपने रेजिन के अंदर जो है वो एक्रेलिक पेंट को के अलावा ग्रीन सी ग्रीन पिगमेंट पेस्ट को भी ऐड इन किया है। कोई इसकी रेशो नहीं है, दैट डिपेंड्स कि आपको कितना डार्क और हैवी कलर जो है वो चाहिए। इसमें कोई रेशो नहीं है कि कितने ड्रॉप्स जो हैं वो पेंट के ऐड करने हैं और कितने ड्रॉप्स जो हैं वो पिगमेंट पेस्ट के ऐड करने हैं। मुझे बस एक रिच कलर चाहिए था, व्हिच आई गॉट by adding some pigment paste, although it is looking like कि ये black है, लेकिन if you can see on my stick तो ये black नहीं है बल्कि ये sea green है, जो कि अपना color जो है somehow after getting cure थोड़ा सा show करेगा। If you can note, मैंने जो है वो ये all of a sudden सारा resin जो है वो pour नहीं किया, और मैं बहुत थोड़ा थोड़ा pour करने के बाद उसी को स्प्रेड कर रही हूँ। रीज़न बीइंग कि जब आप ऑल ऑफ अ सडन सारा रेजिन जो है वो पोर कर देते हैं और आपने अपनी क्लॉक या कोई भी बेस जो भी यूज़ कर रहे हैं MDF की, उसके अराउंड टेपिंग नहीं की, कोई रेस्ट एज नहीं है, तो वो सब जो है वो गिरने लगेगा, ड्रिप करने लगेगा। और अगर मैं टेप को लगाऊंगी तो जो है एक रेस्ट सा एज बनेगा, जहाँ पे रेजिन रुकेगा वहाँ पर एक हाइटेड उसकी सरफेस होगी, वो भी मैं नहीं चाहती। मैं बस अपनी एजेस को स्ट्रेट एंड स्मूथ चाह रही हूँ, इसलिए मैंने टेपिंग भी नहीं की। तो उसके उस जब आप फ्लैट सरफेस पे काम कर रहे हैं, यू आर नॉट यूजिंग एनी मास्किंग टेप और समथिंग, तो फिर उसका बेस्ट वे ये है कि बहुत थोड़ा थोड़ा करके रेजिन को पोर करें, उसको स्प्रेड करें। मेक श्योर कि जो आपका वर्किंग एरिया है वहाँ पर जो टेम्परेचर है दैट शुड बी लो, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। कीप योर फैन ऑन इफ़ यू आर वर्किंग आउटसाइड, तो तब काम करें जब आपका जो है टेम्परेचर जो है वो डाउन है। डू नॉट वर्क व्हेन इट्स स्कॉर्चिंग हीट। थोड़ा थोड़ा करके जो है मैं इसको मूव करती जा रही हूँ अपने बोर्ड के ऊपर, और मैंने जो मिडिल वाला होल है उस एरिया को कवर नहीं किया, रेजिन को उस होल के करीब ले जाके मैंने छोड़ दिया ताकि वो ख़ुद से फिल करे अपने आप को, क्योंकि अगर मैं करती तो फिर जो है प्रॉब्लम हो जाती और होल जो है वो मेरा क्लॉक भी हो सकता था। अब मैं बहुत ही थिन लाइंस जो हैं वो गोल्ड की डालूंगी। इफ़ यू कैन सी कि बियरली 1 tablespoon रेजिन है गोल्ड कलर में, तो आई जस्ट वॉन्ट टू क्रिएट वेरी थिन लाइन्स, क्योंकि मैं इसको स्प्रेड नहीं करना चाह रही। आई जस्ट वॉन्ट टू गिव सम कलर ट्रांजिशन इन द मिडल एंड दैट्स इट। बबल पॉप करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब आपका पूरा MDF कवर हो जाए तब भी करें, जब आपने एक और कलर की लेयर डाली है तब भी करें, ताकि जो है जो कलर ब्लेंडिंग भी हो जाए और आपके पास बबल्स भी ना रहें। गोल्ड लाइंस को मैं थोड़ा सा ज़्यादा ब्लेंड करना चाह रही हूँ, इसलिए मैं हीट गन का यूज़ कर रही हूँ ताकि जो कलर है वो थोड़ा सा मूव करे, और
जिस तरह से ये लाइंस अभी बनी हुई हैं इस तरह से ना रहे, बल्कि थोड़ा सा मूव करके एक ब्लेंडेड सा टेक्सचर आ जाए। गन की हेल्प से मैंने कलर्स को स्प्रेड कर लिया है, तो अब मैं मिक्सिंग स्टिक के साथ इसको थोड़ा सा मज़ीद जो है वो स्प्रेड कर रही हूँ ताकि एक टेक्सचर जो है वो क्रिएट हो जाए और जो कलर है गोल्ड कलर जो है वो डिसअपियर ना हो जाए वायलेट स्क्योरिंग। सी ग्रीन के साथ काफ़ी ब्लेंड हो चुका है, आई जस्ट वॉन्ट कि एक टेक्स्चर जो है वो भी आ जाए। साइड्स पे कुछ भी पोरिंग करने का फ़ायदा नहीं है क्योंकि साइड्स वाले जो एरियाज हैं उनमें हम फायर ग्लास और डायल जो है उसको एड इन करेंगे, तो जो भी आपका विजिबल एरिया होगा दैट विल बी द सेंटर पार्ट नॉट द साइड एरियाज, तो इसलिए आई एम मोर फोकस्ड अबाउट द मिडल पोर्शन एज कम्पेयर टू द साइड एरियाज। जब तक मेरा रेजिन जो है वो क्योर होता है तब तक मैं जो क्लॉक डायल है इसको स्प्रे पेंट करके गोल्डन कर लेती हूँ ताकि मीनवाइल ये भी ड्राई हो जाए और रेजिन जो है वो भी क्योर हो जाए। सो आई एम यूजिंग द नॉर्मल गोल्ड स्प्रे पेंट जो हमारे पास अवेलेबल होता है और मैं इसको जेनरसली स्प्रे कर रही हूँ। मेक श्योर कि जो नंबर्स हैं उनके अंदर जो कैविटीज़ हैं जो उसके अंदर की एरियाज़ हैं MDF वाले वो सब अच्छे तरीके से फिल होने चाहिए। सो मेक श्योर कि आप जो हैं जो आउटर और इनर सर्कल है उसके भी इनर एरियाज़ आउटर एरियाज़ हर एरियाज़ में जो है वो स्प्रे पेंट अच्छे तरीके से करें एंड यू हैव टू स्प्रे इट वेरी जेनरसली ताकि जो है वो कोई भी डिस्क्रिपेंसी ना रह जाए। जब तक मेरा ये रिंग जो है ड्राई होता है तब तक मैं अपने स्टोन्स जो हैं उनको रेडी कर लेती हूँ। सो आई हैव दिस फायर ग्लास विद मी। ये फायर ग्लास बेसिकली टेम्पर्ड ग्लास को कहते हैं और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि आपको ये हाथ में चुभते नहीं है, जैसा से क्रश ग्लास होता है उससे एट टाइम्स अगर आपने टॉप कोट नहीं किया और उसको सिक्योर नहीं किया तो आपका हाथ जो है वो कट सकता है, बट व्हेन इट कम्स टू फायर ग्लास तो फायर ग्लास जो है वो टोटली सेफ है। और मैंने अपनी इंक को जो यूज़ करके इस फायर ग्लास को कलर कर लिया है सी ग्रीन कलर में। नाउ इट्स डे टू, क्लॉक मेरा क्योर हो चुकी है और अब मैं इसको एक टॉप कोट दूंगी। अगेन टॉप कोट के लिए यू हैव टू कीप इट इन माइंड के आपको बहुत ही स्लोली अपना रेजिन जो है वो पोर करना है और आहिस्ता आहिस्ता जो है उसको स्प्रेड करते जाना है, ऑल ऑफ अ सडन सारा नहीं करना। इफ़ यू कैन नोटिस जो मेरा होल है MDF बोर्ड का वो थोड़ा सा बड़ा हो चुका है, उसकी रीज़न ये है कि जो ऑलरेडी मुझे ये MDF बोर्ड मिला था जब मैंने लिया था तो होल जो था वो थोड़ा छोटा था। सो व्हाट आई डिड इज़ कि मैंने इसको ड्रिल के साथ थोड़ा सा होल जो है वो बड़ा करवा लिया। मार्केट में आप जाएं आप किसी भी वुड वर्कर के पास तो वो आपको उसी होल के अंदर थोड़ा
थोड़ा सा जो है होल बड़ा कर देगा यूजिंग द ड्रिल मशीन। इफ़ यू हैव ड्रिल मशीन एट होम तो आप खुद से भी कर सकते हैं। तो व्हाट आई एम डूइंग इज़ कि मैं थोड़ा सा टॉर्च कर रही हूँ ताकि मेरे जो बबल्स राइज हुए हैं वो पॉप हो जाएं। इस स्टेज पे यू हैव टू बी वेरी विजिलेंट एंड वेरी केयरफुल कि अगर आपने टॉप कोट सही से नहीं किया तो फिर गेट रेडी कि आपको एक और कोट करना है। तो इसलिए जब आप टॉप कोट कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपके जो एजेस हैं दे हैव टू बी कवर्ड, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि बीच में जो है वो डेंट्स आ रहे हैं या फिर कहीं से जो है वो मिसिंग है, कुछ डिप्स क्रिएट हुई हुई हैं रेजिन की। वेयर एवर यू फील लाइक कि यहाँ पर जो है वो एक डिप क्रिएट हुई हुई है, जिसको हम एट टाइम्स होल भी कहते हैं कि एक रेजिन का होल क्रिएट हो जाता है, उसकी रीज़न ये होती है कि आपका जो अमाउंट ऑफ रेजिन है दैट इज़ लेस, और रेजिन जो है वो अपने आप को स्ट्रेच कर रहा है और स्ट्रेच करने की वजह से इट इज़ क्रिएटिंग सम डिप्स। सो मेक श्योर कि आपका सारा एरिया फुली कवर्ड होना चाहिए। टॉप कोट जो है वो मेरा कंप्लीट हो गया है, हर एरिया जो है वो मेरा कवर्ड है, और मैंने मोबाइल की टॉर्च में भी एक दफ़ा इसको क्लोजली चेक कर लिया है। अब जब तक ये फ्लड कोट जो है वो वेट है तो आई विल क्विकली प्लेस माय क्लॉक डायल ओवर इट। क्लॉक डायल जो है वो हमने कल ही कर लिया था स्प्रे पेंट, तो अब मैं इसकी सिर्फ प्लेसिंग करूँगी। मेक श्योर कि जो आपने प्लेसिंग करनी है वो एब्सोल्युटली करेक्ट होनी चाहिए, और ऐसा ना हो कि किसी एक एरिया से डायल जो है वो ज़्यादा ऊपर हो और एक साइड से नीचे हो। इट शुड बी परफेक्टली इन द मिडल, और अगर आपको लगे कि थोड़ी सी प्लेसिंग गलत हो गई है तो बहुत ही केयरफुली अपनी मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से डायल को मूव कर लें। और मैंने अपने ग्लव्स भी चेंज किए हैं वाइल प्लेसिंग द स्टाइल, क्योंकि ग्लव्स पे रेजिन लगा होता है, और अगर आप उन्हीं ग्लव्स के साथ जो है अपने डायल को प्लेस करेंगे तो जब ये क्योर होगा तो कहीं पे आपको जो है वो फिनिशिंग इसकी नज़र नहीं आएगी डायल की, क्योंकि कहीं पे रेजिन जो है वो लगा हुआ क्योर हुआ हुआ होगा और कहीं पे वो नहीं होगा, तो दैट विल लुक अ वेरी डर्टी लुक। इसलिए मैंने अपने ग्लव्स को चेंज किया, क्योंकि आई कैन नॉट अफोर्ड टू हैव रेजिन ऑन माई हैंड, इसलिए मैंने ग्लव्स ही चेंज कर ली और नए ग्लव्स के साथ मैंने इसको प्लेस कर दिया। अब जो है बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो स्टेप है, दैट इज़ प्लेसिंग द स्टोन्स। तो जब आपने स्टोन्स प्लेस करने हैं देन यू हैव टू मेक श्योर कि कोई भी एरिया जो है वो अनकवर्ड ना हो, अनट्रीटेड ना रह जाए। हर होल को, हर एरिया को आपने फिल करना है। ऐसा नहीं करना है कि एक दफ़ा जो है वो पहले जो है फिल कर लिया आपने सर्कमफेरेंस को और फिर उसके बाद बीच में छोटे छोटे टाइनी एरियाज रह जाते हैं जो अनफिल्ड होते हैं स्टोन से। ये नहीं करना। जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं वो पूरी उसकी जो विड्थ है बाहर को निकली हुई बेस की, उस पूरे एरिया को आपने छोटे बड़े हर टाइप के स्टोन के साथ फिलिंग करते जाना है, ताकि जो है कोई भी एरिया लेफ्ट ना रहे जहाँ पर आपका स्टोन नहीं है, क्रिस्टल नहीं है, और दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली कवर्ड। इस पॉइंट पे मैंने ग्लव्स को उतार लिया है, क्योंकि अगर मैं रेजिन वाले ग्लव्स के साथ अपने क्रिस्टल्स की प्लेसिंग करती तो थोड़े से स्टिकी हो जाने थे मेरे क्रिस्टल्स, और उनकी फिनिशिंग जो है और शाइन जो है वो चली जाती, क्योंकि जब भी आप क्रिस्टल्स के ऊपर रेजिन को पोर करते हैं तो जो उनका स्पार्कल होता है, लस्टर होता है, वो चला जाता है। तो मैंने अपने ग्लव्स को उतार लिया है और बहुत ही केयरफुली आई एम प्लेसिंग द स्टोन्स वन बाय वन, और मेकिंग श्योर कि कोई भी एरिया जो है वो उस दरमियान का रह ना जाए।
सारे स्टोन्स जो हैं वो मैंने प्लेस कर दिए हैं. सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो यू द फाइनल लुक कि किस तरह से दिख रहा है. फ्लड कोट इज स्टिल वेट और आई विल वेट फॉर इट टू क्योर और फिर मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक. मैंने स्टोन्स की जो प्लेसिंग की है उसके ऊपर रेजिन को पोर नहीं किया, वरना जो स्टोन्स की शाइन है, जो उसका लस्टर है, वो चला जाएगा. सिर्फ जो है वो बेस पे फ्लड कोट के ऊपर ही मैंने इसकी प्लेसिंग की है स्टोन्स की. सो नाउ इट्स डे 3, सब कुछ क्योर हो चुका है, स्टोन्स अपनी जगह पे बहुत अच्छे तरीके से प्लेस हो चुके हैं, एवरीथिंग इज इंटैक्ट एंड यू कैन सी द शाइन एंड लस्टर. और जो सी ग्रीन स्टोन्स हैं इनका स्पार्कल जो है इट्स स्टिल देयर. अब मैं इसके पीछे जो है वो मशीन को फिक्स करूँगी. सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर पॉकेट है, तो आपने जैसे ही मशीन को रखा वो अपनी जगह पे वैसे ही फिक्स हो जाती है. नेक्स्ट मैं इसके ऊपर नीडल्स की सेटलमेंट करूँगी. So now my clock is in working condition. So this is how you can make a wall clock using the dial and fire glass. Needles जो हैं वो काफ़ी height पे हैं dial से, so they are not touching the dial at all. और ये बहुत ही smoothly run कर रही है. अब question आता है कि इसको आपने hang कैसे करना है. तो आपको ये वाली hooks मिलती हैं, arts and crafts लाहौर पे available होती हैं. इनको आप अपने वॉल क्लॉक के पीछे जो है या तो ड्रिल कर लें इस तरह से, या फिर जो है आप इसको एल्फी या रेजिन के साथ जो है पीछे पेस्टिंग कर लें. और जो एजेस हैं मैंने इनको नहीं फिनिश किया, लेकिन अगर आपको करना है तो वार्निश के अंदर गोल्ड डस्ट को ऐड करें और मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से उसको प्लेस कर दें अपनी अपनी जगह पर.